सोशोलॉजी जो सोशलॉजिस्ट हैं वो रिलीजन ये जो एज अ इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि रिलीजन का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी पे ठीक है एंड सोसाइटी का भी इम्पैक्ट रहता है इन रिटर्न रिलीजन पे हमने वेबर की थ्योरी में ऑलरेडी देख लिया है उन्होंने कहा था रिलीजन जो है ये आपके इकोनमी से रिलेटेड है रिलीजन है एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आपका कैपिटलिज्म फ्लरेश और ये आइडियोलॉजी इन्होंने दी थी हमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ठीक है इससे पता चलता है कि सोशोलॉजिस्ट जो थे वो इंटरेस्टेड uh, थे रिलीजन में अब बाकी थिंकर्स का भी देखेंगे इस बुक में इस uh, चैप्टर में कि बाकी थिंकर्स ने क्या कहा है फाइन तो ये थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन है रिलिजन जो है इज़ अबाउट द रियल ऑफ सेक्रेड ये आपने सेक्रेड एंड प्रोफेनोल पढ़ लिया है दुर्खेम में दुर्खेम ने भी रिलीजन की बात की थी दुर्खेम ने हमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था कौन से कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन किया था रिलीजन को टोटेमिज्म पे ठीक है तो इन फाइट सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सेक्रेट थिंग्स दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड केप्ट फॉरबिडन ठीक है ये डेफिनेशन हमने देख ली है ऑलरेडी जब हमने थिंकर पढ़ा था दुर्खेम अगर आपने थिंकर्स नहीं देखे तो अलग से सोशल थिंकर्स की एक प्ले भी बनी हुई है इस चैनल पे आप वो पहले थिंकर्स स्टडी कर सकते हैं स्टडिंग लेट्स अस आस्क क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशन रिलीजन का रिलेशन रहा है बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन से भी जैसे मैंने अभी आपको कहा वेबर ने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से इनको रिलेट किया था या आप इनको पावर एंड पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि पहले आपको पता है चर्च के पास सारी अथॉरिटी थी जो आपका पोप था वो पावरफुल था पॉलिटिकली भी वो पावरफुल था ठीक है इवन एजुकेशन का भी रिलेशन था आपके चर्च से क्योंकि तब की स्टडीज़ वैसी ही होती थी जो आपको एक जो रिलीजन की हर चीज़ को बैक करे ठीक है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पोप या एक प्रीस्ट बनने में हेल्प करे अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ की भी बात करें तो काफ़ी एक इंटरवाइन रिलेशन रहा है रिलीजन का सारे इंस्टीट्यूशन के साथ यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है लाइक एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन रिलीजन को भी इवेलुएट किया जाता है एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स यूटिलिटी क्या है सोसाइटी में और वेरियस सोशल रिसर्चर्स है सिंपल लाइन है फंक्शन ऑफ रिलीजन जो है वो उसका मेन एक क्या है रोल वो है मेंटेन करना सोशल ऑर्डर और उसको हम देख सकते हैं ऐसे कि सोशल ऑर्डर कैसे रिलीजन मेंटेन करता है सोशल चेंज ला के इट कैन बी बॉट अबाउट बाई रिलीजन बाई न्यू प्रिंसिपल न्यू आइडियोलॉजी एक्सेट्रा वो कैसे सोशल चेंज बुद्धिज्म ये भी एक फॉर्म ऑफ रिलीजन आया और इसने चैलेंज किया ऑर्थोडॉक्सी और ब्राह्मनिज्म को ठीक है ये एक एक्जाम्पल है वेबर ने कहा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी थी दैट लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म ये हमने पहले पढ़ लिया तो हम बोल सकते हैं रोल ऑफ रिलीजन किस में है सोशल चेंज में इंटीग्रेटिव फोर्स ये हमने किसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा है दुर्खेम के कॉन्सेप्ट में अब तो सोशलॉजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हैं ठीक है या अगर आप सोशोलॉजी से सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो आपको क्या देखना होगा आपको देखना होगा कि उस थिंकर ने उस चीज के बारे में क्या कहा है जब आप लिखते हो रिलीजन को एज एन इंटेग्रेटिव फोर्स तो ये इंपॉर्टेंट है ये नेसेसरी है कि आप दुर्खीम को मैंशन करो आपको सिर्फ एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं देनी है कि हाउ रिलीजन एक्ट एज एन एंटेग्रेटिव फोर्स आपको यहाँ आप पे दुर्खेम मेंशन करना है क्योंकि दुर्खेम ही बोला था रिलीजन यूनाइट्स ऑल दोज इट रिलीजन को एज एन इंटीग्रेटिव फोर्स रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से सॉलिडारिटी रहती है सोसाइटी में ठीक है वो सारा इनका वर्शिप totem का कॉन्सेप्ट वो कैसे ऑरिजिनेट हुआ जो हमने इसमें डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है माइल दुरखेम वाले कॉन्सेप्ट में तो वो सारी चीजें आपको बोलती है रिलीजन को दुर्खेम ने कहा था इंटीग्रेटिव फोर्स एक्ट करता है ये ये आप पे कुछ सोशल कंट्रोल भी हिलाता है रेगुलेट करता है आपको क्योंकि हर रिलीजन में कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस वर्चूज हेवन गुड बैड है कि आपको सही काम करना है तभी आप हेवन में जाओगे गलत काम करोगे तो आप हेल में जाओगे इससे आप क्या होता है सोसाइटी रेगुलेट हो जाती है और आप पे कोई सोशल कंट्रोल पुट होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शन भी आप कह सकते हो रिलीजन का इंटेलेक्चुअल फंक्शन कैसे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अन आंसर्ड है अभी तक जिनका आंसर आपको साइंस भी नहीं देती है जैसे लाइफ और डेथ को लेके कि डेथ जो है एक मिजरी क्रिएट करता है लाइफ में ठीक है किसी की अनएक्सप्लेनेबल डेथ हो जाए तो वो सारी चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक होती हैं इंसान के लिए फिर उस टाइम पे ओवरकम आपको साइंस नहीं कराता है कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग होती है चलो हम किसी और दूसरी दुनिया में मिलेंगे या आपका दूसरा कोई जन्म हो जाएगा हम फिर से मिलेंगे फाइन तो ये सारी चीजें उस टाइम पे आपको एक मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं तो जो वो इंटेलेक्ट आपका साइंस सेटिस्फाई नहीं कर पाता कहीं ना कहीं वो रिलीजन से आपको सेटिसफेक्शन मिलती है नॉर्मेटिव रोल

आगे देखते हैं स्टेबलाइजेशन ठीक है स्टेबलाइजेशन भी क्रिएट करता है कैसे क्रिएट करता है फॉर एग्जाम्पल एक वीरशवा uh, मूवमेंट हुई थी जो लेड इट वॉज लेड बाय बसवेसवार साउदर्न इंडिया में इट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द अनरीजनेबलनेस ऑफ ब्राह्मण्स तो कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है थोड़ा सोसाइटी में तो ये स्टेबिलाइज भी करता है रिलीजन रिचुअल रोल परफॉर्म करता है फॉर एग्जाम्पल अगर शादी होती है तो शादी में आपको एक पंडित की जरूरत पड़ती है एक मौलवी की जरूरत पड़ती है ठीक है या कोई रिलेशन फैमिली ऑब्लिगेशन या फैमिली के कुछ रिलेशन होते हैं मेरिटल रिलेशन होते हैं वो भी रिलीजन डिफाइन करता है वो सारे रिचुअल रोल्स में ही आते हैं फॉर एग्जाम्पल कामा इज वन ऑफ द फोर्थ पुरुष क्या है पुरुष अर्थास कामा ये हिंदुज्म फिलोसफी के हैं अर्थ एंड मोक्ष Dharma is your religious obligation.

ने बोला है साइंस विदाउट रिलिजन रिलिजन हो रिलीजन प्रैक्टिकल और इंपेरिकल नॉलेज को ठीक है तो आप ऐसे रिलीजन को बिल्कुल पीछे छोड़ के आगे मॉडर्निटी में इतना इन्वॉल्व होना कि रिलीजन है ही नहीं वो सारी चीजें नहीं बोल सकते क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस चीज को वैलिडेट किया है कुछ डिस्फंक्शन भी हैं रिलीजन के लाइक थिंगस एसोसिएटेड विथ प्रोसिक्यूशन वॉर टेररिज्म कहीं ना कहीं रिलीजन से एसोसिएटेड हैं वहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं मैनिफेस्ट भी हो सकते हैं लेटेंट भी हो सकते हैं रॉबर्ट मॉर्टन ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिसफंक्शन रिलीजन को लेके आप रॉबर्ट मॉर्टन को याद करो इन्होंने कुछ पॉस्टूलेट्स से थे जिनमें इन्होंने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया था ठीक है तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी सोशल आइटम के जो यूनिट्स होते हैं वो सारे आपस में जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो यूनिटी दिखाए ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा जैसे रिलीजन के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या है आपका बिलीफ प्रैक्टिस प्रीस टेम्पल बुक्स ये सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं इनमें हमेशा आपस में यूनिटी नहीं होगी तो जिसके एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो राइट्स भी होते हैं रिलीजन में तो आपको डिफंक्शन एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना होगा ठीक है ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया यहाँ पे मैंने आपको जल्दी से बोला कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो रॉबर्ट मॉर्टन का वीडियो देखो वहां पर मैंने आ, इनके डिफंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है टॉकिंग अबाउट रिलीजन फॉर इंस्टेंस ही पॉइंटेड आउट द डिफंशन फीचर्स भी होते हैं रिलीजन के मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में ठीक है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टर इज लाइक मार्क्स मार्क्स ने कहा था रिलीजन को ओपीएम ऑफ मासेस बेसिकली रिलीजन क्या करता है ये आपको एक कैपेबिलिटी देता है कि आप टॉलरेंस देता है आपको कि आप टॉलरेट कर पाते हो एक्सप्लोइटेशन को ठीक है आप एक नशे में रहते हो काइंड ऑफ कि आप एक्सप्लॉयटेशन को टॉलरेट कर पाते हो क्योंकि हर रिलीजन देखो जैसे इस्लाम है इसका है आफ्टर लाइफ की अगर चलो अगर आपको यहाँ पे दुख मिल रहा है तो आफ्टर लाइफ में आपको खुशी मिलेगी ठीक है हिंदुइज्म है यूजुअली बोला जाता है कि पुराने जन्म में कुछ किया होगा इस वजह से नए इस जन्म में हमें प्रॉब्लम्स हो रही है तो कहीं ना कहीं यह आपके अंदर ऐसा बिलीफ डालता है जिसकी वजह से आप टॉलरेट कर पाते हो जस्टिफाई कर पाते हो अपनी जो एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ हो रही है उसको तो मार्क्स ने कहा था रिलीजन को ओपीएम ऑफ मासिस कभी ये प्रमोट करता है इविल प्रैक्टिस ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल सिस्टम पीपल प्रैक्टिस सुपरस्टिशन इन द गार्ब ऑफ रिलीजन सुपरस्टेशन काफी ज्यादा जो है फैले हुए हैं Uh, इसमें सोसाइटी में वो सारी चीजें डॉक्टरिंग ऑफ प्री डेस्टिनेशन वगैरह कैन मेक एन इंडिविजुअल फील टू पावरलिस एंड फेटिलिस्ट कि अगर सारा प्री डिस्ट है फिर आप क्या करो अगर ये भी प्री डेस्टेंड है कि आप आगे जाके कितना कमाने वाले हो तो फिर आप क्यों मेहनत करो ये तो सारा लिखा हुआ है ना तो ये सारी चीजें मैसअप करती हैं सोसाइटी को तो अगर आपको कुछ क्रिटिकली uh, इवेल्युएट करने के लिए आ जाएगा तो आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूर होने चाहिए रिलीजन को लेके फाइन आगे देखते हैं सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन आप सोशोलॉजी है सोसाइटी का सोशोलॉजी का एक चैप्टर है तो कुछ थियरीज भी आई होंगी इसको लेके सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन आर्स वेदर पीपल बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट वाई डू दे बिलीव सो एंड हाउ डू दे कम टू बिलीव सो तो इस बात को देख के इन्हों लेके इन्होंने थियोराइज़ किया है काफ़ी हमें थियोरीज दी है ठीक है थियरीज ऑफ रिलिजन को हम डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में लाइक थियरीज ऑफ ऑरिजिन है कैसे ऑरिजिनेट हुआ कैसे इवॉल्व हो गया परिमेटिव सोसाइटी में कैसा था पॉलीथिस्टिक था फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में मोनोथिस्टिक आ गया दट मीनस बिलीव इन वन गॉड ऐसे करके जो रिलिजन है ये इवोल्व हो गया एवोलूशनरी थियरीज डराइव देर अंडरस्टैंडिंग फ्राम स्टडिंग ऑफ प्रिमेटिव सोसाइटीज लाइक ट्राइब्स एंड मॉडर्न सोसाइटीज़ ठीक है और एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन सीम टू रेस्ट ऑन नेमली पॉजिटिविज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। एवोल्यूशनिज्म जो है इज बेस्ड ऑन इंटलेक्ट एजाम्शन रिलीजन इज अटर ऑफ नॉलेज दो देर एफर्ट्स फिनोमिना वर समॉल्स अब वो कैसे रैशनल थे और वो कैसे करके उन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते थे वो हम आगे देखेंगे हमें इनकी थे चीजें देखनी है जो एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है ये दो एजम्शन पे बेस्ड है पहले पॉजिटिविज्म की इन्होंने साइंटिफिकली स्टडी करना चाहा रिलीजन को ठीक है रिलीजन को इंसान से पहले अलग रख के एक एंटिटी रख के इन्होंने स्टडी किया फाइन इंटेलेक्चुअलिज्म क्योंकि इन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल थियरीज़ दी रिलीजन की जो इंसान के दिमाग में क्वेश्चन अराइज uh, होते थे दैट इज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्ट इंटलेक्ट अंडरस्टैंडिंग कॉग्नेटिव एबिलिटी ठीक है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या इन्होंने अपने जो व्यू पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए उस बेसिस uh, पे बनी कुछ इंटेलेक्चुअल थियरीज की वो इंटेलेक्ट क्वेश्चन को अपने इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जो पुराने लोग थे वो क्या करके एक्सप्लेन करते थे रिलीजन के कॉन्सेप्ट को उसके बेसिस पे सोशोलॉजिस्ट ने कुछ इंटेलेक्चुअल थियरीज बनाई थी इसीलिए बोला जाता है इज रेस्टेड टूजन ठीक है बाकी देखते हैं जो था ही वॉज वन ऑफ द अर्ली एवोल्यूशनरी ठीक है उन्होंने एक एवोल्यूशन दी थी हमें रिलीजन को लेके इन्होंने तीन स्टेजेस कही थी जिसको लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी कहा जाता है इसको आप टीएमएस करके याद रख सकते हो पहली थी थियोलॉजी थियोलॉजी स्टेज ऑफ थियोलॉजी uh, दूसरी थी मेटाफिजिकल एंड थर्ड वन वाज योर साइंटिफिक साइंटिफिक स्टेज ठीक है तो थियोलॉजी में बेसिकली इन्होंने क्या कहा था देखो थियोलॉजी में लोग कैसे एक्सप्रीप्रिमेटिव सोसाइटी थी ठीक है थियोलॉजी स्टेज में तो इसमें uh, हर चीज को लोग एक्सप्लेन कैसे करते थे रिलीजन को सेंट्रिक के रिलीजन सेंट्रिक थी कि हर चीज में आप कोई एक डिवाइन एंटिटी से एट्रीब्यूट करते थे गॉड से एट्रीब्यूट करते थे हर फिनिना को ये प्रिमेटिव स्टेज थी सेकेंड वन वॉज ये मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल क्या होता है अभी तक तो कुछ कंक्रीट नहीं था लेकिन आप थोड़ा फिलासोफिकल एक्सप्लेनेशन देने लगे चीजों की जनरलाइज फॉर्म में या आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन आ गई मैं भी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे क्लियर हो जाएगा आ, फिर आपकी मॉडर्न सोसाइटी में आ गई साइंटिफिक सोसाइटी साइंटिफिक स्टेज ठीक है जिसमें यू you नो know, इसमें एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन वो सारी चीजें आ जाती है अब अगर आप देखो कैसे एक्सप्लेनेशन हुई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोसाइटी है जहाँ पे थंडर स्ट्रॉम बहुत ज्यादा हो रहा है ठीक है अब अगर मेटाफिजिकल स्टेज प्रिमेटिव स्टेज में वो हो थियोलॉजी वाली स्टेज uh, में तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे थंडरस्टॉर्म को कि ये कोई गॉड है जो हमसे नाराज़ है और ये थंडस्टॉम्स कोई गॉड कर रहा है ठीक है और मेटाफिजिकल स्टेज में आप इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन दोगे क्या आप गॉड से एट्रीब्यूट नहीं करोगे यू मूव अवे फ्रॉम गॉड सेंट्रिक थॉट्स और गॉड सेंट्रिक नॉलेज अब आप बोलोगे हो सकता है कोई कॉस्मिक या कोई यूनिवर्सल फोर्स हो जो ये सब कुछ करवा रहा हो ठीक है थोड़ा फिलासफी की तरह आके थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनिशंस देना चीज़ों की

इन्होंने पहली सिस्टमैटिक थियरी दी थी रिलीजन की एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्हें आर्ग्यू किया था रिलीजन आता है फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द गोस्ट ऑफ एनसिस्टर्स ये हमें आगे पढ़ना है वो गोस्ट वगैरह कैसे है फाइनली इसके बाद क्या आ गया एक पॉलिथिज्म वाली स्टेज आ गई और हम अभी के स्टेज में है वाली स्टेज में साइंटिफिक सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में इनका मानना था एक मोनोथिज्म वाला प्रिंसिपल आ जाएगा जहां पे सब लोग एक ही गॉड को प्रे करना शुरू हो जाएंगे जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थियरीज थे वो ये भी आर्ग्यू करते थे कि जो पॉलिथिजम है ये रिलीजन ऑफ प्रिमिटिज है एंड मोनोथिज्म जो है इट इज अ रिलीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज फाइन अब क्लासिकल और एवोल्यूशनरी थियरीज जो है रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ रिलीजन वो हम देखते हैं पहली उसमें कैटेगरी आती है इंटेलेक्चुअल थियरीज की ये अर्लीएस्ट थियरीज ऑफ रिलीजन थी ये बेस्ड थी प्रिमेटिव लॉजिक पे दीज थियरीज इंक्लूड सोल थियोरी बाय कॉम्ते ड्रीम्स थियरी बाय स्पेंसर थियरी ऑफ एनिमिज्म बाय टाइलर एंड मना थी बाय आर आर मेरिट ठीक है यहाँ पे देखते हैं हम किस किस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है गोस थेरी और ड्रीम थेरी ऑफ स्पेंसर देखो इसमें आपको क्या देखना है ड्रीम्स थेरी है ठीक है और इंटेलेक्चुअल है दैट लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे जिनको उनको सेटिस्फाई करना होगा और उसके लिए उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन पुट फॉरवर्ड की होगी अब कैसे क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन से रिलेटेड टू लाइफ डेथ ड्रीम्स एंड अवेकन स्टेटस कि एक तो हमारी जिंदगी जो चल रही है ठीक है फिर एक मौत वाली स्टेज आती है एक स्टेज आती है जब हम सोते हैं और हम कुछ सपने देखते हैं ड्रीम्स और एक आता है जब हम जागे होते हैं हमारा जो अवेकन स्टेट होता है जिसमें दिन भर हम अपना काम करते हैं तो इंसान एक्सपीरियंस करता है ये डिफरेंट स्टेट स्टेट्स जो है अपने लाइफ स्टाइल अपने लाइफ साइकिल में तो इस चीज़ को इन्हें एक्सप्लेन कैसे किया था इन्होंने कहा था दो चीज़ें होती हैं एक ड्रीम सेल्फ होता है जो रात में मूव करता है जो हम रात में खुद को मूव करते हुए सपनों में देखते हैं उसको इन्होंने ड्रीम सेल्फ कहा और एक शेडो सेल्फ होता है विच एक्ट्स बाय द डे जो आपका अवेकन स्टेट में चलता है वो आपका शेडो सेल्फ होता है ठीक है और का जब हम सोते हैं या ड्रीम सेल्फ में होते हैं या हम अवेकन स्टेट में नहीं होते हैं तो हमारी टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी हो जाती है फाइन और अगर ये लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी परमानेंट हो या लॉन्गर पीरियड के लिए लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी होती है दैट तो मीन्स हमारा डेथ वाला स्टेज जो है वो आ गया है ठीक है तो ये चीजें याद रख लेना क्या इन्होंने इनके क्वेश्चन अराइज हुए थे रिलेटेड टू लाइफ डेथ ड्रीम्स एंड वेकन स्टेट्स उसके ही रिजल्ट uh, में इन्होंने ड्रीम सेल्फ और शेडो सेल्फ का कहा था और कहा था एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेंसिबिलिटीज हो जाता है जो टेम्प्रेरी भी हो सकता है या लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकता है और स्पेंसर ने कहा था जो अपेयरेंस ऑफ डेड पर्सन इन द ड्रीम होता है दैट इज टेकन बाय प्रिमेटि एज द एविडेंस ऑफ टेम्प्ररी आफ्टर लाइफ टेम्प्ररी आफ्टर लाइफ का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से इमर्ज हुआ था कहा था जो आईडिया ऑफ गोस्ट है फ़ाइन ये जो है है ग्रो करता आइडिया ऑफ गॉड्स और जो गोस्ट ऑफ एंसेस्टर्स हैं वो बनते हैं डिवाइन अब इसका क्या मतलब हुआ देखो इनको पता चल रहा था कि कुछ सुपर नेचुरल चीज है फाइन उस सुपर नेचुरल को इन्होंने क्या किया था एक्सप्लेन किया था इन द फॉर्म ऑफ गोस्ट क्योंकि इनको पता है जब मर जाते हैं उसके बाद भी एक लाइफ है जैसे स्पेंसर ने कहा था अब हमारे सपने में जो डेड पर्सन आते हैं उसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि टेम्पररी आफ्टर लाइफ दैट मीन्स लाइफ के बाद भी कोई आफ्टर लाइफ है फाइन तो वो जो गोस्ट हमारे सपने में आते हैं वहाँ से उन्होंने कौन सा आइडिया लिया था कि कोई वहाँ वो जो हमारे सपने में आते हैं वो कि सुपर नेचुरल बींग है तो वहाँ से उन्होंने आइडिया ऑफ गोस्ट लिया था तो आइडिया ऑफ गोस्ट फाइनली किस में बाद में उसने शेप ली आईडिया ऑफ गॉड्स की और वो जो गोस्ट अगर एनसिस्टर्स के सपने में आते हैं तो वो कोई डिवाइन बींग है ठीक है वो कोई डिवाइन बीइंग है दैट मीन जिनको आप पूज सकते हो कोई डिवाइन एंटिटी आ गई वो आपके एनसेस्टर्स तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था जो स्पेंसर ने कंक्लूड किया था कि जो एनसेस्टर वर्शिप है वो रूट ऑफ एवरी रिलीजन है ठीक है जो मैंने आपको कहा था अभी हमने यहाँ पे देखा था Uh, कहीं पे एक पॉइंट एनसेस्टर वर्शिप को लेके मैंने कहा था हमें वो आगे देखना है वो यही है Spencer ने वर्शिप का क्या कहा कि आप मर जाते हो उसके बाद जो इंसान मर गया लेकिन वो सपने में भी आ रहा है दैट तो कोई सुपर नेचुरल बींग है जो प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट ना हो के भी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं आप उनको ड्रीम्स में फील करते हो ड्रीम्स में देखते हो तो वहां से सुपर नेचुरल बींग आया सुपर नेचुरल बींग से आइडिया ऑफ गॉड आ गया कि मतलब गॉड कोई है कोई डिवाइन बींग है अब वो डिवाइन बींग कौन है जो आपके एनसिस्टर्स हैं उनके जो

लिविंग और डेड को क्या डिफरेंशियट करता है सोल प्रशिएट लिविंग एंड डेड और इन्होंने कहा था जो ड्रीम्स हम देखते हैं एट नाइट सोल टेम्परली लीव करती है बॉडी को डेथ के बाद इट लीव्स परमानेंटली फाइन इन्होंने ये भी बात कही थी कि हर ऑब्जेक्ट में सोल होती है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी आपके जो होते हैं दे हैव ठीक है तो स्पिरिट और सोल पे आ, And of Tyler ने फोकस करा था सोल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट फिजिकल होम द बॉडी एंड देर द आइडियापर नेचुरल बींग्स ऐसा नहीं है सोल जो है वो उसी चीज में ही रहेगी वो सोल जो है वो बॉडी के बाहर भी घूमती है और दैट मीन्स अगर बाहर घूम रही है तो वो कोई इंसान नहीं है वो एक सुपर नेचुरल बींग है तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन थी रिलीजन की और ये जो सुपर नेचुरल बींग थे लेटर डेवलपमेंट टू गॉड्स मैं आइडिया ऑफ स्पिर प्राइमरी ओरिजिनेट्स फ्राम हिस्स ड्रीम्स इन हिस्स ड्रीम्स मैन फॉर द फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हिस्स डबल ठीक है आप ड्रीम में क्या देखते हो अपना डबल देख रहे हो टाइलर आर्ग्यूज एट रिलजन इन दॉर्म ऑफ एनिमिम ऑरिजिनेटेड टू सैटिसफाई मैं इंटलेक्चुअल नेचर टू मीट हिज नीड टू मेक द सेंस ऑफ डेथ ड्रीम्स एंड विजन तो इसलिए इनको इंटलेक्चुअल थियरीज बोला जाता है जैसे पहले भी लाइफ डेथ और अवेकन ड्रीम्स ठीक है उस स्टेट को सेटिस्फाई uh, करने के लिए जो थियरी बनाई थी उस पेंसर ने बनाई थी उसके बाद टाइलर ने भी यही कहा था कि इंटेलेक्चुअल नेचर जो था इंसान का टू मीट मीट हिज नीड टू मेक सेंस ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक ड्रीम्स डेथ विजन ये सारी चीजें क्या है तो स्पेंसर की तरह टाइलर का भी एक एवोल्यूशनरी परसपेक्टिव था ऑन रिलीजन ही हैड एन एवल्यूशनी व्यू ऑफ सोसाइटी इन फाइव स्टेजेस एंड एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू रिलीजन एज वेल जो एनिमिज्म है इज द रिलीजन ऑफ सिंपल हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज मोनोथिस्टिक रिलीजन जो है वो मॉडर्न कम्पलेक्स सोसाइट का है दट मींस एवोल्यूशनरी परसपेक्टिव इन्होंने भी दिया था टाइलर ने भी ई बायलर एंड दिस इज योर स्पेंसर अब होगी साइकोलॉजिकल और इमोशनल थियरीज ठीक है ये है स्ट्रेस करती हैं पर्टिकुलर मेंटल स्टेट लाइक फेयर एंग्जाइटी इमोशनल स्ट्रेस वगैरह पे पहले हम इसको देखते हैं इमोशनल स्ट्रेस थियोरी ये मेलनास्की ने दी थी मेलनॉस्की ने कहा था इंसान की लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में जा सकता है और उस एक्सट्रीम स्ट्रेस से अगर इंसान को कोई निकालता है वो उसका रिलीजन होता है फाइन कैसे अब एक्सट्रीम स्ट्रेस में जाता है फॉर एग्जाम्पल डेथ इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल टर्मोइल क्या है डेथ है डेथ सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्टिव है इंसान की जिंदगी में अगर किसी के हो जाए जो वो एक इमोशनल क्राइसिस में चला जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ एंड फ्यूनरल जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, दे आर दे बिलीव्ड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सपोर्ट द बिलीव जिनकी किसी की डेथ हुई होती है एंड द एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी री इंटिग्रेट सोसाइटी तो उनका मतलब था रिलीजन यही करता है रिलीजन क्या करता है जो भी आपकी डेथ ये स्ट्रेस एंगजाइटी फेस करते हो इससे आपको बाहर निकालने में हेल्प करता है लाइक like दुर्खेम ही सॉ रिलीजन एज री एज री इन्फोर्सिंग सोशल नॉर्म्स एंड प्रमोटिंग सोशल सॉलिडारिटी अगर आप इसमें दुर, दुर्खेम का कॉन्सेप्ट याद करोगे टॉटम वर्शिप इन्होंने जो कहा था वो किस वजह से होती है वह सॉलिडारिटी वाला एटमोसफेयर जो है वो कलेक्टिव एफरसेंस जो फील करता है इंसान उसको वापस लाने के लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि जब भी वो ऑब्जेक्ट की वर्शिप करते हैं तो वो फीलिंग ऑफ यूनिटी और सॉलिडारिटी उनके अंदर रीइग्नाइट हो जाती है ये दुर्खेम के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था According to him, religion is concerned with the specific areas of social life, namely situation of stress which threatens so, uh, social solidarity. ठीक है इंसान की लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जिस सॉलिडारिटी टूटने के काफी चांसेस होते हैं तो उस टाइम पे जो उसको टूटने नहीं देता है वो रिलीजन है और भी इनने एक एग्जाम्पल दी थी जब टोरबेंडर आइलैंडर्स जब फिशिंग के लिए जाते हैं तो उनको काफ़ी डर होता है अंदर एंगजाइटी स्ट्रेस होती है कि अगर स्टॉम आ गया और कितनी फिश हम कैच कर पाएंगे कैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो वो ओपन सी में जाने से पहले कुछ रिचुअल्स करते हैं ये रिचुअल्स किससे रिलेटेड है आपके रिलीजन ही हो गया बेसिकली तो ये रिचुअल्स हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए एंगजाइटी और प्रोवाइड करते हैं कॉन्फिडेंस एंड अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल तो उनने कहा था रिलीजन जो है प्रमोट करती है सॉलीडारिटी बट डीलिंग विद अ सिचुएशन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एक इसका मानना था मेलनास्की का However, उसको क्रिटिसाइज uh, किया जाता है फॉर एग्जाजरेटिंग द फंक्शन ऑफ रिलीजन क्योंकि सिर्फ फंक्शन पे उन्हें दिया ध्यान दिया था और जो चीज फंक्शनल uh, है ऐसा जरूरी नहीं रिलीजन हर टाइम पे फंक्शनल होगा रिलीजन के डिसफंक्शन भी होते हैं जैसा हमें मॉर्टन ने कहा था और एक नेचरिज्म नेचर में थियोरी ठीक है ये जो थ्योरी है इसका बेसिक क्या है जो नेचुरल चीजें होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया जाता है उनको एसोसिएट किया जाता है रिलीजन के साथ फॉर एग्जाम्पल रेन गॉड जैसे हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है रेन गॉड का कि कोई गॉड है जो रेस्पॉन्सिबल है रेन के लिए रिवर गॉड है या अग्नि हो गया आपका फायर गॉड है ठीक है तो नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करो उनको एसोसिएट करके किसी रिलीजन रिलीजन के साथ ठीक है किसी गॉड के साथ एक डिवाइन बीइंग के साथ डिवाइन एंटिटी के साथ वो आपका नेचुरिज्म या नेचर में थ्योरी है ये बिलीफ है दैट फोर्सेस ऑफ नेचर हैव है सुपर नेचुरल पावर मैन यूज टू तो सी फोर्स ऑफ नेचर विद वेरियस इमोशन वे लाइक आओ फेयर एंड रेस्पेक्ट मुलर ने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ नेचुर ने जो मैक्स मुलर थे ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय संस्कृत इनफैक्ट उनको मोक्षमुल्ला बोला जाता था कि इतना ज्यादा वो हिंदुइज रिल हिंदू रिलिजन और हिंदुजम फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थे ये ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के एंड वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन एंशंट इंडियन गॉड्स उन्होंने कहा था जो ग्रैंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं गे नहीं कर सकोगे वो कुछ नैचुरल ऑब्जेक्ट हैं बहुत बड़े हैं एंड फीलिंग ऑफ इनफाइनाइट की वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं आसान आज है कल नहीं होगा ठीक है इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया आप बोल सकते हो उन्होंने कहा कि सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी इन चीजों को और उनको गॉड से रिलेट किया वता जो बड़ी ग्रैंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थी और इनफाइनाइट की फीलिंग जनरेट करती थी कि वो चीजें हमेशा प्रेजेंट है सोसाइटी में फाइन उनको जो एक्सप्लेन नहीं वो कर पाते थे उसको उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी सिम्बॉलिकली उनको परसोनिफाई किया एज डाइटीज की आपके गॉड्स हैं फाइन तो ये था किसका नेचरिज्म का नेचर मिथियरी और मैजिकल ठीक uh, है तो यह जेम्स फ्रेजर ने भी इस थियरी को सपोर्ट किया है आगे कुछ क्रिटिसिजम देख लेते हैं इनका उससे पहले एक जल्दी जल्दी बिल्कुल थ्रो हमने क्या पढ़ा इंटेलेक्चुअल थियरी ड्रीम थे. और कहा था आफ्टर लाइफ है तो कोई सुपर नेचुरल बींग होंगे उनको इन्हें आइडिया ऑफ गॉड्स से रिलेट किया था और कहा था कि वो कोई गोस्ट है क्योंकि वो रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं है तो आइडिया ऑफ गोस्ट से आइडिया ऑफ गॉड आ गया और जो गोस्ट ऑफ एनसेस्टर्स गए उसकी वर्शिप करने लगे वो इनके लिए एक डिवाइन पायस बींग बन गए एनोमेस्टिक थीरी ऑफ टाइलर की ने कहा था सोल जो है हर चीज में प्रेजेंट होती है और वो अपनी फिजिकल होम की इंडिपेंडेंट होती है ठीक फिर आ गया आपका साइकोलॉजिकल थियोरीज इसमें आपके इमोशनल थियोरी आ गई वो स्ट्रेस एंगजाइटी रिड्यूस करने के लिए उसकी एग्जाम्पल वो ओपन टोल ब्रेंडर आईलैंडर्स का फिश कैच करने वाला या डेथ के टाइम पे जो एक बहुत ही इमोशनल केयर्स और इमोशनली आप क्राइसिस में चले जाते हो रिलीजन उस टाइम पे भी आपको सॉलिडारिटी प्रोवाइड करता है नेचरिज्म आ गया जब आप जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो नेचुरल चीजों को ठीक है जिनमें आप जो आपको फीलिंग ऑफ इनफाइनाइट देते हैं तो उनको कैसे एक्सप्लेन करते हो उनको रिलेट करके उनको परसोनिफाई करके एज सम गॉड अकॉर्डिंगली आपका रेन गॉड फायर गॉड रिवर गॉड ये सारी चीजें आ जाती है और जेम्स ट्रेजर ने भी इसको सपोर्ट करा था ठीक है आप इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं मेलनास्की डज नॉट एग्री विद टाइलर व्यू ऑफ प्रमिटिव मैन एज अ रिफ्लेक्टिंग बींग मेलनास्की ने कहा कि प्रिमेटिव जो थे वो ज्यादा प्री ऑक्युपाइड थे फिशिंग गार्डनिंग और ट्राइबल गेट टूगेदर्स के साथ एंड दे डू नॉट गेट टाइम रूडिंग ओवर ड्रीम्स एंड विजन्स तो ये सारी चीजों को इन्हें नेगेट किया था टाइलर का एक मेजर क्रिटिसिज्म है और स्पेंसर का वाज़ दैट दे प्रोजेक्टेड देयर ओन आइडियाज रिगार्डिंग सोल एट्सटा इन टू द माइंड्स ऑफ प्रिमिटिव पीपल कि उन्होंने डॉक्टरनेट किया है वो आम चेयर स्कॉलर्स है उन्होंने कोई ये एम्पेरिकल स्टडी चीज़ की नहीं की है फ्रेजर ने कहा था कि रिलीजन और रिलेटेड बिलीफ एंड प्रैक्टिस जो है प्रमिटिव पीपल एक्चुअली मोर इक्लाइन टुवर्स मैजिक एंड सुपरस्टिशन तो फ्रेजर ने मैजिक एंड सुपरस्टिशन को भी इसमें ऐड किया था ठीक है सिंपलेट सोसाइटीज है मोनोथिस्टिक रिलीजन विच टाइलर क्लेम्ड वॉज लिमिटेड टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज ऑनली तो मेजरली सारे रेवल्यूशनरी क्या बोलते थे मॉडर्न सोसाइटीज में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में मोनोथिस्टिक रिलीजन होगा लेकिन लैंग ने कहा था सिंपलेट सोसाइटीज का कैरेक्टरिस्टिक था मोनोथिस्टिक रिलीजन

रिलीजन पर्सन ने कहा था ये पार्ट ऑफ कल्चरल सिस्टम है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिलीफ नॉर्म्स वैल्यूज एट्सट्रा आपको कुछ गाइडलाइंस देता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करते हो फॉर एक्जाम्पल क्रिस्टी के टेन कमांडमेंट्स या इस्लाम की जो लाइफ अपनी गुजारना अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान तो ये सारी चीजें आपको रिलीजन करता है मार्क्सिस व्यू ऑफ रिलीजन ये मैंने कहा इन्होंने रिलीजन को कहा था ओपीएम ऑफ मार्सिस कि वो एक्सप्लॉयटेशन को बेरेबल और टॉलरेबल बनाता है आपके लिए रिलीजन जो है ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, it, ठीक है? क्योंकि जो यही सारी चीजें हैं रिलीजन डल्स द पेन ऑफ ऑपरेशन इन आफ्टर लाइफ वगैरह इसीलिए जो रिलीजन है ये आपको क्या करता है आपको बर्दाश्त करने की ताकत देता है एक्सप्लाइटेशन की और आप अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं रिलीजन ऑल्सो जस्टिफाइज दाइली रिजिड कास्ट सिस्टम कहा गया ऑल्सो जस्टिफाई पर्टिकुलर स्टेटा एज इन केस ऑफ कर्मा जस्टिफाई रिजिड कास्ट सिस्टम आपके पुराने पुराने जमाने के जन्म के कर्म है इसी वजह से आप इस जन्म में एक पर्टिकुलर स्टेटा में पैदा हुए हो पॉवर्टी एंड मिस फॉर्च्यून नॉट एफेक्टेड एस डि डिवाइन विल एंड पनिशमेंट फॉर सिन्स ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है तो रिलीजन क्या करता है पॉवर्टी को बियरेबल बनाता है इस वजह से सारे नेगेटिव हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं ये रिलीजन के तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो चल द टाइम है अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे